धनबाद में अपराध कम हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और अभी चल रहा है प्रशासन वर्सेस अपराध। लगातार धनबाद में बढ़ रहे अपराध को लेकर के वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन के नेतृत्व में पुलिस लाइन केंद्र में आज जिले के सभी थाना की टाइगर मोबाइल के साथ बैठक की और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में अपराध को लेकर के विशेष चौकसी के साथ सघन जांच करें। बैठक के बाद सभी टाइगर जवान के साथ शहर भ्रमण गश्ती निकाली गई, जिसका नेतृत्व धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी तथा डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और यातायात डीएसपी के नेतृत्व में निकाली गई। टाइगर पुलिस गश्ती ऐसी जगह जाते हैं जहां पेट्रोलिंग वाहन नहीं जा पाते, उस स्थान पर टाइगर पुलिस पहुंचती है। जबकि कई टाइगर पुलिस के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं तो कई लोग नहीं कर पाए हैं। जो अच्छे कार्य किए हैं उन्हें रिवार्ड भी दिया गया है। 5 जवानों को शो काउज भी किया गया और सभी टाइगर जवान को अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगाने का सख्त निर्देश दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने मीडिया को बताया कि पिछले कई दिनों से जिले की विभिन्न क्षेत्रों में चोरी, छिनतई और अन्य अपराध रोकने के लिए टाइगर पुलिस को विशेष दिशा निर्देश दी गई है। जबकि टाइगर पुलिस को विशेष गश्ती करते हुए गैर तरीके से ड्रग्स, शराब, गांजा तथा जुआ खेलने वाले के ऊपर विशेष कार्रवाई करने को निर्देश दिया है तथा रात्रि में मोहल्ले के गली में अनजान व्यक्तियों को शक के आधार पर विशेष जांच किया जाना चाहिए। बैठक के बाद सभी टाइगर पुलिस के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में पुलिस लाइन केंद्र से शहर में गश्ती भ्रमण निकाली गई, जो सरायढेला, गोल बिल्डिंग, रिंग रोड, मेमको मोड़, दहिया, कंबाइन बिल्डिंग, लूबी सर्कुलर रोड, बेकार बांध, पूजा टाकीज, रांगाटाड़, बैंक मोड़, पुराना बाजार, जोड़ा फाटक, धनसार, मटकुरिया तथा अन्य क्षेत्र में की गई। आप देख रहे हैं सब पर नजर। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट। जैसे कि आज पुलिस लाइन में टाउन में बीते दिन में जो छिनतई का घटनाएं जो बढ़ रही है, इसके अलावा जो रात में जो चोरी का घटनाएं हो रहा है और टाउन में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए टाइगर मोबाइल हमेशा रोड में रहते थे, काम अपना कर रहा था। तो कहीं ना कहीं टाइगर मोबाइल के काम में कुछ कुछ त्रुटियां था, ये लोग अपना काम को बढ़िया से समझ नहीं पा रहा था। उसी को लेके आज उन लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन यहाँ पे करवा लिया है। इन लोगों को अपना काम और ड्यूटी के बारे में विस्तृत तरीके से ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ये लोग सब दे दिया है। अभी ये लोग तो पिछले 6 महीने में जो भी काम किया है उसका अवलोकन किया गया। इसमें से कुछ लोगों के द्वारा अच्छा काम भी किया है, कुछ लोग छीन के भागने वाला को पकड़ा है, मोबाइल छीन के भागने वाला को पकड़ा है, बाइक चोर को पकड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किसी तरीके की उपलब्धि नहीं दिया गया था। अब इन लोगों को अभी अगला 1 हफ्ता का टारगेट दे दिया है। अब हफ्ता में एक बार ज़रूर टाइगर मोबाइल का रिव्यू वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और हफ्ता हफ्ता के लिए इन लोगों का इनको लिए अलग अलग टारगेट भी निर्धारित करेंगे। ब्रीफिंग किया गया, कुछ कुछ गाड़ी में भी जीपीएस ख़राब है, जीपीएस ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। हमारा फोकस जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस एवं जो इलीगल एक्टिविटीज़, दारू, गांजा बेचने वाला, जुआ, लॉटरी, रात में हो रहा चोरी, ये सब रोकने के लिए है। अगर टाइगर मोबाइल हमारा अच्छा से काम करेंगे तो ये सब ज़रूर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब हमारा पूरा यकीन है कि इस ब्रीफिंग के बाद, इस ओरिएंटेशन सेक्शन के बाद इन लोगों को अपना काम के बारे में जानकारी मिला है, ये लोग अपना काम बहुत अच्छा से करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग टाइगर मोबाइल का ही ब्रीफिंग अभी यहाँ पे किया है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। भी लोग सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक रहता है और कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टारगेट मिलने पर ये लोग 9 बजे के बाद भी काम करता है। अभी डे टू डे बेसिस पर इन लोगों का अपना काम कैसे करना है, इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करना है, इंटेलिजेंस के आधार पर कैसे रेड्स ऑर्गेनाइज करना है, वो सब निर्देश अभी इन लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं कि अगला कुछ दिन में इसका कुछ डिफरेंस हमको रोड में दिखने को। सर, जैसे सर पेट्रोलिंग की गाड़ी चलती है उसके बकायदा कोई जगह चिन्हित किया गया जहाँ टाइगर मोबाइल जाएंगे सर? अब जैसे कि टाइगर मोबाइल का ऑलरेडी अपना बीट डिवाइड करके रखे हुए हैं, जैसे कि बड़ा गाड़ी, पीसीआर गाड़ी एवं थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी हर छोटा छोटा गली पर नहीं जा सकता है 4-व्हीलर होने के चलते। तो टाइगर मोबाइल का मेन फंडा यही है कि आप छोटा छोटा जगह जहाँ खाली बाइक जा सकता है, छोटा गली में अचानक घुस के लोगों को अलर्ट करे, सायरन के तो अलर्ट करे या
रात में अगर कोई आदमी बिना कोई काम का घूम रहा है, ऐसे आदमी को चिन्हित करते हैं कार्रवाई करने के लिए है। तो दोनों का जुरिडिक्शन कहीं कहीं सेम भी हो जाता है, कहीं कहीं टाइगर मोबाइल का जहाँ पेट्रोलिंग पार्टी नहीं जा पाता है वैसे जगह पर भी ये लोग जाके अपना पेट्रोलिंग करते हैं। कितने लोगों को रिवार्ड दिया गया, क्या उपलब्धि रही? जैसे कि अभी टोटल 6 आदमी को हम लोग अभी रिवार्ड दिया गया है, और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वर्दी जब पहन के आ रहा था तो अभी DGP साहब का आदेश है हर जगह वर्दी में नेम प्लेट पहन के घूमना है। कुछ लोग नेम प्लेट नहीं पहना हुआ था, ऐसे कुछ लोगों को निंदन भी दे दिया। और पिछले बार ब्रीफिंग में हर टाइगर मोबाइल का जवान लोगों को ये निर्देश दिया था कि आपको एक छोटा रजिस्टर अपने पास में रखना है, उस रजिस्टर में उनके बीट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटेलिजेंस अवेलेबल है, वो सब लिखने का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश इसमें बहुत आदमी नहीं किया गया था, ऐसे आदमी पर अभी एक निंदन का सजा भी दिया गया है। देखो वही है, देखो चिंता ही हमारा इधर उधर रात में भी दिन में भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी को रोकने के लिए अभी हम लोग टाइगर मोबाइल को बुला के एक रीओरिएंटेशन का कार्यक्रम किया गया। अब देखो आने वाला कुछ दिन में इसमें कुछ तो सुधार नज़र में आएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।